हैदराबाद की आखिरी जीत से बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद को मिला बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद ने इस मुकाबले को जीतने के बाद पॉइंट टेबल्स की सबसे ऊपर जाकर पहुंच चुकी है। आरसीबी की लुहा बड़ी नुकसान। तो आज की इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या है पॉइंट टेबल्स की पूरी सिनेरियो और क्या है मुकाबले की पूरी हाईलाइट और हैदराबाद कितने पायदान पर है और आरसीबी कितने पायदान पर है और कौन खेलेगा क्वालिफायर मुकाबला, कौन खेलेगा एलिमिनेटर मुकाबला, आज की इसी वीडियो में आप सभी को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बना रहेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मुकाबला जो कि आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, यानी दोस्तों मुकाबला आखिर पहुंच चुके। मुकाबला नंबर 69 खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के अंदर, जहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ये लीग स्टेज की आखिरी मुकाबला था हैदराबाद और पंजाब के लिए और लीग स्टेज की दोनों टीम के लिए आखिरी मुकाबला के लिए पहले बल्लेबाजी करने उतरे गए थे पंजाब किंग्स। 20 ओवर में 214 रन की बहुत बड़ी विशालकाय लक्ष्य दे दिया। लेकिन ये लक्ष्य को पूरी करने के लिए हैदराबाद के ये बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि हैदराबाद की तरफ से शुरुआत करने उतरी ट्रैविस हेड के द्वारा दोस्तों एक बहुत बड़ी उम्मीद था। लेकिन ट्रैविस हेड एक गेंद पर ही चलते पड़े। अर्शदीप सिंह की गेंद से बोर्ड आउट होकर पावलियन लट गए थे। लेकिन अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 66 रन की पारी और राहुल त्रिपाठी को 18 गेंद में 33 रन की पारी, तो नीतीश कुमार रेड्डी की 25 गेंदों में 37 रन की पारी, तो हेनरिस क्लासन की 26 गेंदों में 42 रन की पारी से इस मुकाबले को 4 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता। 5 गेंद भी बचा था। लेकिन ये मुकाबले को जीतने के बाद हैदराबाद जाकर पहुंच के ये टॉप जो कि टेबल की टॉप 2 पर, यानी दोस्तों टॉप 4 की अगर बात की जाए, ये बात आप लोग जानते हो, अभी कोलकाता नंबर 1 पर है और ये भी रहेंगे नंबर 2 के स्थान पर अभी तक हमको मिल चुका है। यानी अगर ये मुकाबला, यानी दोस्तों अगर लीग स्टेज की आखिरी मुकाबला कोलकाता राजस्थान के अंदर नहीं होता है तो ये मुकाबले में दोस्तों हैदराबाद हम सभी को नजर में आएंगे यहाँ पर ना टॉप 2 पर, और हैदराबाद और कलकत्ता के अंदर पहला क्वालिफायर मुकाबला हम सभी को नजर में आएंगे। तो राजस्थान रह जाएंगे नीचे, आरसीबी रह जाएंगे नंबर 4 के स्थान पर। तो जो कि आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के अंदर मुकाबला हम सभी को देखने मिल सकता है। लेकिन दोस्तों क्वालिफायर मुकाबला अगर इस बारिश के चलते अगर आज का मुकाबला यानी आखिरी लीग स्टेज की मुकाबला नहीं होता है तो कोलकाता और हैदराबाद के अंदर पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा और बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाली है। लेकिन आप लोग को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा क्या आरसीबी जिस प्रकार से जीत कर आ रही है, जीत के साथ शुरुआत नहीं हुआ था लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से जीत के साथ अभी जा रही है, क्या आरसीबी इस बार क्वालिफाई कर पाएंगे यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और सेमीफाइनल 2 के मुकाबला खेल करके फाइनल में प्रवेश कर पाएंगे और इस बार की ट्रॉफी को कौन अपनाएगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करिए चैनल पर, नहीं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।